जी प्यारी सत्संग जी, बैठ जाए। तो जैसे आपको पता है, ये रूहानी जाम जामे इंसान सबसे पहले आपको कसम दिलाते हैं। तो सबसे पहले उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम की, जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है। दूसरा, इस धरती पे जो पहले गुरु मुर्शिद कामिल आए, उस दाता रहबर के नाम की। तीसरा, जिन्होंने सच्चा सौदा सर्व धर्म करना सिखाया, सच्चे दाता रहबर बेबरवा साईं मस्ताना जी महाराज के नाम की। चौथा, हमारे मालिक दाता सदगुरु बेबरवा शाह मस्त सतनाम जी महाराज के नाम की। और पांचवा, सात संगत भगवान का रूप है, आपका प्यार मोहब्बत दृढ़ विश्वास और बढ़ता जाए, प्यार मोहब्बत दृढ़ विश्वास के नाम की। तो सेवादार आ जाए, सेवादारों ने जिनकी ड्यूटी लगाई है। तो प्यारे सत्संग जी, आपके सामने आते हैं। हाँ जी प्यारी सत्संग जी, वो बैठ जाएं, आप बैठ जाओ सारे। हाँ, अपनी जगह ले लीजिए और आराम से बैठ जाएं। तो ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, जो पीता है उसे दिखा देता है निज धाम, दृढ़ विश्वास रखे तो दोनों जहां के बना देता है काम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। सो रूहानी जाम आप तक आए, उसे श्रद्धा से विश्वास से पीना है। जितने दृढ़ विश्वास, जितनी श्रद्धा से आप पियेंगे, उतनी ही ज्यादा खुशियां मालिक आपकी झोलियों में डाल देंगे जी। सो आज जो रूहानी जाम पीने आए हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। बात भाई बहन, हाँ बहुत बड़ी तादाद में सत्संगत रूहानी जाम पीने आई है, हाथ नीचे कर लीजिए, काफी बड़ी तादाद में। हाँ जी, हाथ नीचे कर लें। और आप तीन वचनों में अगर पहली बार गलती नारा लगा दें, मालिक माफ करेंगे। तो ये रूहानी जाम उस सदगुरु दादा रहबर ने बख्शा है, उसका धन्यवाद करना है, उसका शुक्राना करना है, उस परमपिता परमात्मा सद्गुरुदाता रहबर का। और शुक्राना करने का, धन्यवाद करने का तरीका सद्गुरुदाता रहबर साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें बताया है। सो सबने मिलकर वो जोर से नारा, दंदन सदगुरु, यानी हे मालिक तू धन्य है, धन्य है, धन्य है,
धन्यवाद करने के काबिल है और हमें तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है। तो वो नारा सबने मिलकर जोर से बोलना है। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी तो रूहानी जाम दोनों तरफ से शुरू कर दें। रूहानी जाम पी लेना है आपने और साथ साथ भजन शब्द आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। तो भजन आप बता दीजिए कौन सा सुनना है। हाँ भाई बोल दीजिए सत्संग, नहीं तो फिर जो ख्याल में आ गया बोल देते हैं फिर। ठीक है, बस अब तो हो गया भाई, जो ख्याल में आ गया बोल देंगे, पहले तो आप बोलते नहीं, जो ख्याल में आ गया। ठीक है, तो रूहानी जाम पीते रहना है और पिलाते रहना है और अपनी अपनी जगह पे रहना है जी। तो वो भजन वो शब्द आप किसी में अर्ज करते हैं, धन धन सदगुरु तेरा ही। जाम तू जाम पी ले,
जगह ले लीजिए। हाँ बैठ जाएं और अपनी अपनी जगह पे सज जाएं। हाँ जो भी साथ संगत खड़ी है अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, शाबाश। जिनके पास रूहानी जाम नहीं पहुंचा वो खड़े होके हाथ हिलाएं जी, भाइयों की तरफ। काफी संगत पड़ी है भाई, लांगरियो सेवादारों तेजी करो भाई, बहुत संगत पड़ी है। बहनों की तरफ जिधर जाम नहीं आया हाथ खड़ा करें जी। हाँ इधर भी है बहनों, ख्याल करो बेटा, इधर भी है। लेकिन भाइयों की तरफ ज्यादा है अभी, जिन्होंने नहीं पिया अभी हिम्मत करो। बच्चों आप देखते हैं कौन, शायद बहनों की तरफ अभी ज्यादा पिला दिया है और भाइयों की तरफ थोड़ा कम है। तेजी करो, आपस में कंपटीशन रहता है बहन भाइयों का, देखते हैं कौन जल्दी पिलाता है। थोड़ा तेजी करो, शाबाश। विदेशों से जाम पीने आए हैं जी, नामदेव सिंह बहरीन नेपाल से 18 भाई बहन, और ब्रुकलिन मूल नागरिक वर्जीनिया अमेरिका से हैं जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद। यहां भी आप हैं आशीर्वाद। और ये ब्रुकलिन ने तो ड्रेस भी ले ली है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की, ये यूएसए अमेरिका के नागरिक हैं। वेलकम बेटा, वेलकम, गॉड ब्लेस यू जी बेटा, आशीर्वाद। और बाकी सतपाल सिंह इनसा दुबई यूएई से, और रवि इनसा ग्रीस विदेश जाना है, कुलवंत सिंह इनसा बहरीन, गुरविंदर सिंह इनसा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, सारी संगत को आशीर्वाद देना बेटा, मालिक खुशियां बख्शे जी। आया नो आशीर्वाद प्रसाद ले लो, आशीर्वाद। पहली बार जान निर्मल सिंह इनसा मनजीत कौर बहन कुबर कनाडा, आशीर्वाद बेटा प्रसाद ले जाना, बचनों पर रहना सुमन करना मालिक साथ। दूर दराज से जाम पीने आए हैं संदीप कुमार चेन्नई तमिलनाडु से, और प्रप्रीत बेलगाम कर्नाटक से, आशीर्वाद बेटा। अभी प्रसाद लेना, भगवान आपको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ बैठ जाइए, साथ संगत खड़े ना रहो, थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं आपका लेंगे, बैठ जाइए। जो सेवादार भाई आ खड़े हो नौजवानों, बैजो भाई बैजो, थोड़ी सी देर लगनी है, ज्यादा समय नहीं लगना। दिल्ली प्रदेश के 25 ब्लॉक 25 मेंबर बहनें जो हैं वो 25 हैं, और 25 ही आई हैं, पूरी हाजिर हैं जी। दुनिया रूठ जाए तो कोई गम नहीं, हर रिश्ता टूट जाए तो कोई गम नहीं, मेरा सतगुरु जो मुझसे रूठ जाए तो वो पल मेरी मौत से कम नहीं। बहुत सुंदर इन्होंने शेर लिखा है, और एक सुंदर सा कार्ड भी अपने हिसाब से बनाया है जी, आशीर्वाद। 15 मेंबर बहनें राजस्थान, ये 25 नहीं हुई क्या अभी तक, आज तो 15 और 15 ही आई हैं, और सुंदर सा कार्ड बनाया है, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। 25 मेंबर बहनें हरियाणा, 25 हैं और 25 की 25 आई है, शाबाश। ऐसी हाजिरी बनी रहे सब बहनों की, शाबाश। और ये हैं बहनें पंजाब की, 25 हैं और 25 की 25 आई हैं जी, और इन्होंने भी सुंदर से कार्ड सभी ने अपने अपने हिसाब से बनाए हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। हिमाचल के अब ब्लाकों की बारी आती है जी, हिमाचल के 27 ब्लाक हैं जिनमें 24 हाजिर हैं जी, शाबाश। 3 ब्लाक नहीं आए, अंब, अगर कोई आया हो जुम्मेवार तो खड़े होकर जोर से नारा बोलना ताकि हमें सुनाई दे। अंब, मझीन, ये नारा कोई बोला है या वैसे लगा? मझीन से हैं कोई तो जोर से नारा बोले। और परागपुर, चलो अगर आप कोई है आया हुआ है जुम्मेवार तो आगे आके हाजिरी लगवाना। बाकी 25 मेंबरों में 2 नहीं आए, बुद्धि सिंह जी और जोगिंद्र पाल जी, बाकी सारे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ संगत भी काफी आई हुई है जी, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। एक सुंदर से इन्होंने कार्ड बनाया है, क्योंकि हिमाचल से यहाँ आना बहुत बड़ी बात है, इस गर्मी में लोग हिमाचल की तरफ जाते हैं, लेकिन जो मालिक से प्यार करते हैं उनके लिए गर्मी सर्दी का कोई लेना देना नहीं होता, वो राम नाम की चर्चा में पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो बैठे रहिए, थोड़ी सी गर्मी सहलोगे तो पता नहीं कितनी खुशियां हैं। बहनें बैठी हैं और भाइयों की लाइन लगी हुई है जाने वालों की, बाकी मर्जी आपकी है, बैठे रहो थोड़ी सी देर, इतनी देर में कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ी सी देर बैठ जाओ। और
बाकी अगले हैं दिल्ली ब्लॉक 26 ब्लॉक है और 26 के 26 आए। 25 मेंबर अनिल कुमार, कृष्ण शर्मा, तरसीम, रणजीत और संजय, ये 5 नहीं आए हैं जी। तो भाई फिर उस हिसाब से आप इनका करें, नहीं आ पाते तो उनको खुली सेवा कर दें। ठीक है जी। सात संगत राजनीतिक विंग 1 नहीं आया, 15 मेंबर, 54% सात प्रेमी, 59% ब्लॉक बंगीदा, 73। भाई ये आपके दिल्ली वालों आगे से नहीं होने चाहिए, 100% ही होने चाहिए। 26 तो ब्लॉक है, उसमें क्या 73, पूरे 26 ही ब्लॉक, सिर्फ 26 लोगों ने आना है, वो क्यों नहीं आते? और जिन्होंने वो उतराज उठाया था क्यों चुन लिए, वो कौन थे? हाँ आए जो भी हैं। ब्लॉक सत्र की 791%, गांव शहर के सहजों की 59%, गांव शहर के बंगीदा 47%, शास्त्रम जी की नेशनल फोर्स विंग के भाई जिम्मेदार आए हैं और भाई 44 और बहने 61% आई, नौजवान समिति 75%, बुजुर्ग भाई समिति 44 और बहने 41%। आशीर्वाद भाई कम आ रहे हैं संगत, आपकी पहले ज्यादा हाजिरी थी अब कम है, तो कोशिश कीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। राजस्थान, राजस्थान के 90 ब्लॉक है और 90 के 90 आए हैं, पूरा राजस्थान 90 ब्लॉक और पूरे आए हैं, आशीर्वाद। 25 मेंबर 27 यानी 32 है, कुछ यहां पक्के सेवादार रहते तो 5 नहीं आए। सात संघ राजनीतिक विंग 1 नहीं आया। जिला सत्र के 15 मेंबर वो 67%, सात प्रेमी 80%, ब्लॉक बंगीदा 78% और जिला सत्र की 757, ब्लॉक सत्र की 70%। गांव शहर के सहयोगी सुजान बहने 59%, गांव शहर के बंगीदा 63%, शास्त्रों की नेशनल फोर्स विंग के भाई 45 और बहने 73%। वही ग्रीनेस वाले पूरे आया करो, कम है। नौजवान समिति 49%, बुजुर्ग भाई 57% और बहने 50%। एक सुंदर सा कार्ड इन्होंने भी बनाया है जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। और जो नहीं आते उनका भी पूरा ख्याल रखें जी। अब है जी जो जिनका कंपटीशन रहता है, हरियाणा ब्लॉक, हरियाणा के 120 ब्लॉक हैं और 120 आए हैं 100%, और पंजाब के 107 ब्लॉक हैं और 107 आए हैं 100%, बाकी 25 मेंबर 1 नहीं आया और जबकि पंजाब के 2 नहीं आए। सात संघ राजनीतिक विंग पूरे हैं 100%, हरियाणा के और पंजाब के भी पूरे हैं। जिला सत्र के 15 मेंबर हरियाणा के 87% जबकि पंजाब के 82, इस बार हरियाणा आगे है। सात प्रेमी हरियाणा के 71%, पंजाब के 73, इसमें थोड़ा सा पंजाब आगे। ब्लॉक बंगीदास हरियाणा के 90% जबकि पंजाब के 76%, इसमें हरियाणा काफी आगे है। जिला सत्र की 7 सुजन है हरियाणा की 87% जबकि पंजाब की 71%, इसमें फिर हरियाणा आगे है। ब्लॉक सत्र की 7 सुजान बहने हरियाणा की 87% और पंजाब की 70, इसमें फिर हरियाणा आगे है। गांव शहर के सहयोगी सुजान बहने हरियाणा की 85% और पंजाब की 79, इसमें फिर हरियाणा काफी आगे है। गांव शहर के बंगीदास हरियाणा के 64% है जबकि पंजाब के 60%, इसमें फिर हरियाणा आगे। और शास्त्र में गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भाई 75% हैं हरियाणा के जबकि पंजाब के 63%, इसमें हरियाणा आगे है। और बहने हरियाणा की 66% है जबकि पंजाब की 70% है, इसमें बहने आगे हैं पंजाब की। नौजवान समिति हरियाणा की 74% और पंजाब की भी 74% है, नौजवान बराबर है। बुजुर्ग भाई समिति 72% हरियाणा, पंजाब की 58, इसमें हरियाणा काफी आगे है। और बुजुर्ग समिति माता 65% हरियाणा जबकि पंजाब 53%, तो इसमें आज हरियाणा आगे है जी पंजाब से। पहले पंजाब आगे रहा है लेकिन पंजाब वालों का राय मशवरा तो नहीं कर लिया कि यार थोड़ी झटकी जी पैंती तुसी लिख लो, ऐसी बात तो नहीं ना, पूरा सही सही है, फिर ही सही रहेगा, गड़बड़ ना करना, गड़बड़ हो जाती। सो भाई ये हरियाणा ने एक सुंदर सा कार्ड बनाया है,
आशीर्वाद आशीर्वाद अपने हिसाब से। और ये पंजाब ने कार्ड बनाया, बलाको बड़ों ने आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। ठीक है बेटा, जो सेवादार बहन भाई और डेरों में राजगढ़ सलाबतपुरा मानसा यहां भी कोई सेवा कर रहा है और सबको मालिक ऐसी खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद। और शास्त्राम जी गिनेस बेलफर फोर्स विंग के सेवादार, कुल गिनती पहले से बड़े हैं जी और एक हो गए 36,984, 37,000 के करीब हो गए हैं जी, बढ़ते ही जा रहे हैं। आशीर्वाद वाले खुशियां बख्श। राजस्थान की 25 मेंबर बहनों के लिए 11 बहनें जो नई चुनी गई हैं जी उनके नाम बोलने हैं जी, तो आप बोलते हैं और आते जाना है यहां माइक के पास इधर बहनों की तरफ। रूहानी जाम पिलाते रहिए और बैठ के पीते रहो, माता बहनों बैठ जाओ, बैठ के पीते रहो। ये हैं जी सरोज इंसान गोकुलचंद श्री गंगानगर, पति का नाम है जी, दूसरा और तीसरा शहर या गांव। संतोष इंसान नरेश इंसान हनुमानगढ़, सरस्वती इंसान देवीलाल लालगढ़, सिमरन इंसान इकबाल इंसान श्याम सिंह वाला, मधु इंसान सतीश इंसान पीलीवंगा, तारा इंसान राम प्रताप इंसान जयपुर, नीलम इंसान विनोद इंसान संगरिया, कांता इंसान आत्माराम राम सिंहपुर, कैलाश इंसान वेद प्रकाश इंसान लखूवाली, बाधो देवी इंसान मोहर सिंह इंसान झोथड़ा चूरू, अरुणा इंसान रमेश इंसान बहरोड अलवर। तो ये आ जाए तो सात संगत राजस्थान की जो है खास करके बहने, तो ये 25 मेंबर बहने चुनी जा रही हैं। आपको किसी पे इतराज है तो बहने बताएं, हाथ खड़ा करें। राजस्थान की बहने निगाह मारना भाई, भाइयों को किसी को इतराज तो ठीक है। आप सब लोग माइक के पास खड़े होके और साथ संगत राजस्थान की जोर से नारा बोलो, बोलो भाई। जी बेटा, तो जोर से सेवा करना, मालिक आपको खुशियां बख्शे, बचनों पे रहना और सेवा में ही ध्यान रखना, घरों में मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद प्रसाद लेने और बैठ जाएं बेटा। आशीर्वाद बहुत सारे ब्लाक हैं जिन्होंने जरूरतमंदों को मकान बना के दिए, सबके नाम बोलेंगे, ब्लाक खड़े होते जाना। ब्लाक लम्बी जिला मुक्सर के साथ सकते जरूरतमंद विधवा बहन बलजीत कौर इन सब पत्नी हरजिंदर सिंह बासी पिंड आलम वाला ने मकान बना के देता है जी। ब्लाक जगराव जिला लुधियाना की सात संगत ने एक जरूरतमंद विधवा माता हरनाम कौर इंसान पत्नी हजूरा सिंह इंसान बासी पिंड मलक नो मकान बना के दिता है जी। ब्लाक जगराव की सात संगत ने एक जरूरतमंद बहन कुलवंत कौर इंसान पत्नी लाल सिंह इंसान बासी पिंड माणके नो मकान बना के दिता है जी। ब्लाक नवा शहर जिला नवा शहर की सात संगत ने एक जरूरतमंद भैन बलविंदर कौर इंसा पत्नी श्री चरणजीत इंसा बासी पिंड चांदपुरा रुड़की मकान बना के दिता है जी। पंजाब के ब्लाक जैतो जिला फरीदकोट की सात संगत ने एक जरूरतमंद भैन चरणजीत कौर इंसा पत्नी सचखंड बासी श्री सुखचैन सिंह बासी पिंड जैतो मंडी मकान बना के दिता है जी। ब्लाक नाभा जिला पटियाला की सात संगत ने एक जरूरतमंद प्रेमी रिखी खां इंसा पुत्र श्री साधु खां बासी पिंड सुराजपुर मकान बना के दिता है जी। राजस्थान के ब्लाक में ब्लाक भगवानपुरा जिला हनुमानगढ़ से सात संगत ने एक जरूरतमंद बहन परमजीत कौर इंसा पत्नी प्रीतम सिंह निवासी सूर्यवाला को मकान बना के दिया है जी। और अमृतपाल बासी रामगढ़ पुंदड़ ब्लाक मौड़ मंडी जिला बठिंडा जिसकी लंबी बीमारी कारण मौत हो गई सी, उसकी पत्नी जसवीर कौर ने शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग डेरा सच्चा सौदा सरसा वालों 50,000 रुपए का चेक दिता जाता है उसकी मदद ली जी। तो ये बारी बारी से आते जाए जी, सारे यहां लाइन बना लें, सारे लाइन में आ जाए, आगे आ जाए भाई, सभी लाइन में खड़े कर लो ना, 1 2 3 ऐसे 1 2 3। तो घर आपके लिए सुख देने वाला हो, बचनों पे रहना बेटा, सिमरन करते रहना, मालक खुशियां देने वाला है। बलविंदर कौर ब्लाक नवा शहर हरनाम कौर ब्लाक जगराव हरनाम कौर कुलवंत कौर ब्लाक जगराव बलजीत कौर ब्लाक लम्मी
चरणजीत कौर ब्लॉक जैतो। मैं रिखी खां बस वचनों पे रहना बेटा, सिमरन करते रहना, मालिक साथ है, आशीर्वाद। परमजीत कौर इंसान ब्लॉक भगवानपुरा राजस्थान। ये चेक है उन बच्चों के लिए है, कहां का है भाई ये चेक? जसवीर कौर वाइफ ऑफ अमृतपाल। आशा बेटा मालिक ताकत दे आपको छेलने की। शास्त्र बिगिनर्स क्लब ऑफ का बिंग का प्रसाद लेने वाले 80 भाई 45 बहने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। बंगीदास का प्रसाद लेने वाले 24 भाई 7 मेंबर का प्रसाद लेने वाले 1 भाई खड़े हो जाएं अपनी जगह और जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। हाँ बैठ जाएं बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, प्रसाद ले लेना और मालिक रहमो करम से नवाजे, नाम लिखवा लेना, बैठ जाएं, आशीर्वाद। ब्लॉक कंझावला के गांव निजामपुर से बहन लक्ष्मी इंसान फाइटिंग में सिल्वर मेडल ब्लैक बेल्ट लेकर आई हैं, एशिया गेम्स में बेस्ट फाइटर की ट्रॉफी के लिए आशीर्वाद लेना है जी। कहाँ हैं आप बेटा? जी बेटा आशीर्वाद, पूरा हिम्मत से आगे बढ़ो, मालिक साथ दे, बाद में प्रसाद लेना, आशीर्वाद। जम्मू से एक फौजी भाई आए हैं, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना, मालिक खुशी दे। गोपाल से एक भाई आए हैं, आशीर्वाद। ब्लॉक जुलाना के जिम्मेदार नाम चाचा घर में शेड बनाना चाहते हैं, आशीर्वाद। घर जाने की जाना चाहते हैं 8 से 47 दिन वाले सेवादार भाई, 2 मिस्त्री 11 दिन वाले। ब्लॉक जज्जर से एक भाई हैदराबाद में 20 दिन की सेवा करके आए हैं। जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोड़ियों में डाले, आशीर्वाद। सारी संगत को सेवादार जो जा रहे हैं, सारे परिवार को कहना कि बिदने आशीर्वाद भेजा, मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बैठ जाएं। ट्रांसपोर्ट समिति के सेवादार भाई 17,770 सब पंडालक समिति की बहने 1,00,000 रुपए तथा 152 भाई बहनों ने दीन दुखी मध्य में बैंक में आज पैसा जमा करवाया है, तो वो खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशी आए, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। सेवादार प्रसाद ले लेना। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी और हिंदू के मध्य में बैंक में 4,200 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़के का नाम राकेश, पुत्र रमेश चंद्र जी का, निवासी श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। लड़की का नाम बीना, पुत्री होवनदास जी की, निवासी ये भी श्रीगंगानगर राजस्थान के। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डाले जी। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाँ जी, शादी वाले जो दूसरे परिवार हैं, लड़का लड़की अमेरिका से आश्रम में शादी करवाने के लिए आए हैं और ये दीन दुखी मध्य में बैंक में 50,000 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। और लड़का लड़की सहित परिवार के 5 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पन करें, नेत्रदान महादान। लड़के का नाम विकास इंसान, पुत्र नरेश इंसान जी का, निवासी मकोम प्रांत मिशिगन अमेरिका, और लड़की भी अमेरिका की मूल निवासी है, उस आप वाकिफ हो ही गए हैं, कल से हाजिरी लग रही है। लड़की का नाम है ब्रुकलिन इंसा, पुत्री डोनाल्ड ग्लेस्को, निवासी पीटर्सबर्ग प्रांत वर्जीनिया अमेरिका। तो ये फर्स्ट टाइम है कोई विदेशी शादी हो रही है, सत्संग जी हौसला अफजाई तो करें। और दोनों शास्त्रामी की नेशनल प्रमोशन के मेंबर है जी। Thank you.
जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद, भगवान आपको खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो ये दोनों बच्चे अमेरिका के निवासी और दोनों ही शाह सलाम जी की नेशनल फोर्स विंग के मेंबर हैं। हौसला अफजाई एक बार फिर से साथ संगत कर दें भाई, वहां कुछ माहौल और होता है। और शादी वाले परिवार शादी वाले दिन भी तन मन धन से दिन दुखी मत करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। तो अब रूहानी जाम पीने वाले जो हैं कुछ ये नाम आए हैं जी, जिन्होंने कहा था कि बहनें कितनी गोरी हैं, कुछ एक नाम हैं जो भक्ति में उच्च पद भी हासिल कर चुकी हैं। कश्मीर से लाल देड़, इराक से राबिया बसरी, तमिलनाडु से अंदल व अबयर, राजस्थान से मीराबाई व सहजोबाई, पंजाब से माई पागो व माता कौला, कर्नाटका से अक्काबाई व कलावती, महाराष्ट्र से मुक्ताबाई व जनाबाई, भारत में अन्य इंद्रामती गणका, वेदों में उल्लेख गार्गी अत्री इंद्राणी उर्वशी अप्पल अदिति रक्ष सुलभ आदि 30 स्त्री ऋषियों के उल्लेख है। यूरोप में कैथरीन ऑफ सियाना। तो ये लोग कहते थे कि कौन उच्च पदवी को हासिल किया, तो इतने नाम तो आ चुके हैं, अभी और सर्च करेंगे तो कुछ नाम शायद और भी निकलाएं, शायद में भी। तो इसको रखें भाई, पार्टी को दे दें, संभाल के रखें, क्योंकि सवाल आजकल पूछने भी चाहिए और आ भी बढ़े रहे हैं। 3-4 पर्चियां हमारे पास भी हैं, आपको अगर मालिक ने चाहा तो उसका भी जवाब जरूर देंगे। कईयों को होगा कि उसका जवाब क्यों नहीं आया, और बड़ी अजीबोगरीब पर्चियां हैं और आपको जरूर बताएंगे अगर ख्याल में रहा तो। तो अब वो परिवार आए हैं जिनके परिवार में 26 परिवार हैं, जिनके परिवार में किसी ना किसी की मौत हुई है, और उनमें 3 ने नाम ले लिया था, जो 2 छोटे बच्चे थे। खड़े हो जाएं ये परिवार जिनके परिवार में किसी ना किसी की मौत हुई आज यहां पे आए हैं। तो छोटे बच्चे थे, माता के घर में अगर मां ने नाम जपा है, सुमन किया, सत्संग सुना है, तो मालिक उस पर रहमो करम कुछ ना कुछ जरूर करते हैं जी। और जिसने नाम ले लिया, घंटा सुबह शाम सारे परिवार वाले 3-4 महीने लगातार उसके लिए सुमन करो। 4 की आंखें दान हो, आंखें दान महादान, मालिक खुशियां बख्शे, घर में रहमतें करें। कुछ परिवारों ने जिंदगी मध्य बैंक खाते में जमा करवाया पैसा उनकी याद में, तो मालिक उनके घरों में खुशियां बख्शे, आपस में प्यार बढ़े। तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक निजधाम ज्योतों लेके जरूर जाते हैं जी। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, जो जख्म देता मर्रम भी उसी के पास है। सो मालिक रहमो करम करने वाले नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। 12 दिसंबर 2010 को जो आंखों का फ्री चेकअप कैंप लगाया गया था प्यारी सत्संग जी, वह मालिक की रहमत से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। और इसका प्रमाण पत्र आप जी के पावन कर कमलों सत्संग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, थोड़ा विवरण भी बोलना है, बोल दो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आप जी को जानकर बहुत खुशी होगी कि पूज्य गुरु जी की प्रेरणा अनुसार डेरा सच्चा सौदा का नाम एक बार फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में छा गया है जी। जैसा कि सब सत्संग जानते हैं कि रक्तदान क्षेत्र में 3 बार और दिनांक 15 अगस्त 2009 में पौधारोपण यानी पर्यावरण सुरक्षा सेवा हित 4 विश्व रिकॉर्ड डेरा सच्चा सौदा के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज हैं। पूज्य हजूर पिताजी के ही पावन मार्गदर्शन में ये नया 5वां विश्व रिकॉर्ड गत वर्ष इसी आश्रम में आयोजित यादें मुर्शिद शाह सतनाम जी फ्री आई कैंप के दौरान दिनांक 12 दिसंबर 2010 को केवल एक ही दिन में 4,603 मरीजों की आंखों की बीमारियों की हर तरह की जांच करने पर डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के नाम रहा। पूज्य गुरु जी के इस महान परोपकारी कर्म के लिए भी समस्त साध संगत तहे दिल से आभारी है जी, और पूज्य गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो ये तो सतगुरु मौला का रहमो करम है, उनको नमन, लाखों लाखों कोटन कोटन नमन है जो सेवा करवाते हैं जी। के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ये नया सर्टिफिकेट पूज्य पावन हजूरी में अर्पित है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और प्यारे सत्संग जी, हम तो पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भी इन रिकॉर्डों को तोड़ने की हिम्मत कीजिए और आगे आइए, क्योंकि अगर आप ये हिम्मत करेंगे तो सारी दुनिया का भला होगा। खूनदान ज्यादा करो, आंखें दान ज्यादा करो, आंखों का इलाज ज्यादा करवाओ, तो ये आप हिम्मत से कीजिए। और डॉक्टर साहबान जितने भी हैं, जिम्मेवार जितने भी हैं, रिकॉर्ड तो बहुत सारे हैं जो आपके नजर में नहीं रहे। आंखें दान करने का भी रिकॉर्ड शायद अपने आप में बेमिसाल है, अगर आप उसका रिकॉर्ड रख सके। और भी बहुत सारे जो इन दुखियों के लिए भलाई के कार्य हैं, सबके लिए ही ऐसा संभव है। तो आप सब मिलकर इसके बारे में पूरी कोशिश कीजिए। रूहानी जाम पीने वालों में भाइयों की तरफ अगर कोई रह गया हो तो हाथ खड़ा करके हिलाएं जी। तो भाइयों की तरफ लगभग कोई हो रहा नहीं, शायद खड़े हो जाएं अगर कोई रह रहा है तो। बहनों की तरफ अगर कोई रह रहा हो जी, खड़े होकर हाथ हिलाएं। ये एक बहन खड़ी है इधर सामने, बेटा देखो बच्चों आपके सामने, और भाइयों की तरफ पीछे साइड में एक आधा है, बराबर ही आपका मुकाबला है। तो एक दो इधर हैं, एक दो इधर हैं, वो पिला रहे हैं उधर भाई, उधर बहनें भी, आप दौड़ के उसको पिलाएं भाई, और बाकी बैठ जाएं, प्रसाद लाना है बाद में, अभी की तरफ बैठ जाएं। सेवादार भी इधर भी, भाई भी, और आप भी भाई जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। जितना सुमन किया है सुमन, सत्संग का फल मालिक दरगाह में मंजूर करे, आशीर्वाद। आप में से जिसने रोहानी जाम नहीं पिया पी सकते हैं जी। हाँ, जल्दी से अपनी अपनी जगह ले लीजिए, बैठ जाइए। हाँ, कोई रोहानी जाम से रह रहा हो तो पी लेना है जी। और जल्दबाजी सात संगत ने बिल्कुल नहीं करनी है जी। जब आप जाएंगे, आपसे हाथ जोड़ के विनती है पीछे वाले आराम से, फिर आगे वालों ने बैठे रहना है, और जब तक जाएंगे नहीं पीछे वाले तब तक, अभी तो एक दो अनाउंसमेंट है जो आपको सुबह बोला था कि नए जुम्मेवार कुछ चुने गए हैं आश्रम के लिए, एडम ब्लॉक के लिए। जैसे आपको पहले पता ही है, कुछ एक नाम आपको पता है कि सीनियर वाइस चेयरमैन नैन है, डॉक्टर नैन है, या कुछ ऐसा आपको पता है, लेकिन अब सारे सेवादार और बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि सात संगत बहुत ज्यादा हो गई है। तो उनकी बात सुनना, उनके ख्याल रखने के लिए काफी सेवादार और बढ़ा दिए गए हैं जिनके नाम की अनाउंस करेंगे। तो आप एक बार आराम से बैठ जाएं, आपके नॉलेज में होना चाहिए आपके सेवादार, सेवादार हैं वो, कोई आपके ऊपर लीडर या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सेवा के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, और जो रोहानी जाम कोई पिला रहा है तो वो पी लीजिए। तो जिनका नाम बोला जाए उन्होंने आते जाना है। प्रसाद वाले आप तैयार खड़े हैं क्या? अभी रुक जाइए एक मिनट, ये अनाउंसमेंट की बात। तो इनमें चेयरपर्सन, क्योंकि पहले नहीं थे बाबूजी थे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं, उन्होंने एक पत्र देके गए कि जी मैं नहीं, अब मैं बुजुर्ग हूं, मुझसे कि ये काम हो नहीं पाता। वो हैं ज्यों के त्यों सेवादार, ज्यों के त्यों हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन अभी जो नया चेयरपर्सन बनाया गया है जी, वो आपके ख्याल से कौन हो सकता है? कोई बता सकते हैं तो जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आपके सेवादार हैं, जिम्मेवारों को तो शायद छोड़ के, जिनको जो आम संगत है सेवादार हैं। तो वो चेयरपर्सन है, नाम बोलते जाएंगे क्योंकि चेयरपर्सन तो एक ही होता है। तो वो है विपसना इंसान नंबरदार, जिसकी ये नई ड्यूटी लगाई गई है।
जी, तो यहाँ लाइट नहीं है शायद सत्संग, या लाइट क्यों नहीं रहती इस साइड में, हमेशा ही अंधेरा होता है आप। अच्छा, लाइट बंद करके रखते हैं जी, खड़े हो जाएं माइक के पास बेटा। तो प्यारी सत्संग जी, इनको ये ड्यूटी संभाली गई है, MBA हैं आप, ये जानकारी के लिए बता दें। और ये बचपन से ही छोटे से यहाँ से पढ़े हैं, और बाकी और भी जो नाम बोले जाएंगे जिनमें सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, 3 वाइस चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, और साथ में दूसरे भाई हैं, तो उनके नाम आप बोल दीजिए। भाई ख्याल में नहीं है, यहाँ तो 3-4 नाम ही हैं, सभी लोग आते जाइए, हम नाम, कुछ एक नाम जो हमारे सामने हैं हम बोलते जाते हैं, तो आप माइकों के पास बहन भाई आते जाइए। डॉक्टर PR नैन, जगजीत सिंह इंसा, अभिजीत इंसा बबलू, नवीन गोबीराम, पुष्पा इंसा, और मोहनलाल है, दर्शन है, सुदीप दीवाना है, और गुरदात है, राकेश है, और बहनों की तरफ सुख लेंत हैं, और पुष्पा है, कोई और रह गया क्या, हो गए, और एक दान सिंह है। तो इधर ये सामने, और इधर आ जाओ माइक के पास आप, एक शोभा है वो भी इनमें है, और ये दोनों तरफ से बता रहे हैं जिनकी जिम्मेवारी जिनको सौंपी गई है। तो सत्संग जी, ये जिम्मेवारी का मतलब ये नहीं होता कि कोई अहंकार या खुदी या कोई तगमा, अगर ये दीनता नम्रता से पूरी सेवा करेंगे तो मालिक पता नहीं कितनी खुशियां बख्श देते हैं। सो भाई आपको तो मंजूर है, किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि ये ठीक नहीं है, किसी को लगता हो तो हाथ खड़ा करके बताएं भाइयों की तरफ कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, कुछ भी लगता हो किसी को, बहनों की तरफ तो ठीक है। सारी सासंगत और आप सारे सेवादार माइक के पास होंगे, जोर से नारा बोल दीजिए, मालिक का धन्यवाद शुक्राना करना है। जी बेटा, आशीर्वाद 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 बेटा, इधर भी और बैठ जाइए बेटा। तो ये ड्यूटियां इनको संभाली गई हैं, नया एडम बन रहा है, वहां पे इनके दफ्तर हैं, साथ संगत को जरूरत पड़ती है, आगे अनाउंस भी करेंगे कौन कौन किसका जिम्मेवार है, वो थोड़ा बहुत आपको बताते रहेंगे सेवादारों की मीटिंग में, तो आप वहां जाके उनसे मिल सकते हैं जी। बाकी प्यारी सत्संगियों, रूहानी जाम आपको मिल गया है, तो हम जिक्र आया था कुदरती, अभी ख्याल में आ गया, मुंह आया गल न रेंदी है। सो ये जिक्र आया था, 3-4 पर्चियां आई थी हमारे पास जब हम नाम देने जा रहे थे, और आपको हैरानीजनक बात बताते हैं कि वो पर्चियां एक ही आदमी की लिखी है या 2 की, यानी इकट्ठे बैठ के लिखी हुई है, क्योंकि कागज एक है, वैसे तो होशियारी की है लेकिन कागज सेम है, एक हिंदी में है, SHO साहब हैं, वो कौन से SHO हैं मालिक जानता है, वो सतगुरु जानता है, कोई उसमें बहन है, सभी का अनाउंसमेंट किया गया, पता किया गया, उस नाम का कोई भी नहीं, चलो हम किसी का कुछ नहीं कहेंगे। तो उनमें पर्चियों में यही है मेनली कि किसी ने ये सवाल पूछा है, कोई भी भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, हमने किससे क्या लेना है, सवाल से मतलब है, क्योंकि अपना नाम कुछ और ही है तो वो नाम वाले तो है ही नहीं कि जी पिताजी आपने शनिवार को, क्योंकि हमारा फर्ज है, सतगुरु ने वचन किया हर सवाल का जवाब देना ही देना है, तो हम ठोक के जवाब देंगे, ध्यान से वो सुन लें जो SHO साहब हैं या जो वो है। तो उन्होंने लिखा है कि आपने शुक्रवार को, पता नहीं शनिवार को, अब हमारे तो ख्याल में नहीं रहता क्योंकि ये ऐसी चीज पकड़ ली जाती है कि आपने बोला था कि जो जिनकी शादी नहीं हुई होती, खास करके जो त्यागी तपस्वी होते हैं, तो उनको जब वो शादियां देखते हैं तो उनके दिल में आता है कि हमारा भी ऐसा होता, हम भी ऐसे होते, हमारा भी इस तरह से होता। जी हाँ, हमने 100% बोला था, लेकिन हमारा बोलने का मतलब ये नहीं था कि हम किसी सतब्रह्मचारी को कह रहे हैं या ब्रह्मचारी को कह रहे हैं या किसी और त्यागी तपस्वी या किसी धर्म वाले को कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब था कि मन जाली में ऐसा शैतान है, जिनकी शादियां हुई हैं वो चाहते हैं कि हमारी शादी ना होती, काश हम कितने अच्छे थे अगर सेवा करते, और जिनकी नहीं हुई होती वो चाहते हैं कि हमारी हो जाए, जब भी यहां पे कोई आता है तो उनका दिल करता है कि हमारी होती तो काश, कहा तो इस वजह से था लेकिन कोई मुद्दा बनाना चाहता होता है। तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं, हमने कभी किसी को रोका नहीं है कि शादियां नहीं करनी, कितने यहां सद्ब्रह्मचारी, कितने त्यागी तपस्वी आए हैं, यहां कुछ बैठे भी होंगे जिन्होंने शादियां की, उनके आगे बच्चे भी हैं,
यहां आते हैं, हमसे मिलते हैं, किसी को रोका नहीं जाता, कोई मजबूरी नहीं होती हमारी तरफ से, किसी को कोई मजबूरी नहीं। जिसका माँ बाप आके कह देता है हमने अपने बेटे का बेटी की शादी करनी है, जी सदके करो, हमने तो कभी रोका नहीं, तो फिर ये इल्जाम कैसा कि ये क्या मतलब है क्या नहीं है। फिर ये बात लिखी थी एक पर्ची में, क्योंकि पर्चियां तो एक ही थी, जी बहने लिखने वाला कौन है, ये तो राम जानता है कि जी वहां हमारे सामान मंगवाती हैं ब्रह्मचारी बहने, और आपने कह रखा कि सामान बाहर से ला के नहीं देना, मतलब वकीलों की तरह बात करता है, मन बड़ा शैतान है जी, क्या कहना, कोई नहीं परिवारजनों से करेंगे बात। तो मन कहता है, क्या कहता है कि जी खुद ही बना के गोलमोल कि उनसे जी सामान नहीं मंगवाना। तो फिर ये हम सामान, हमने कहा भाई हमने तो आपको ला के नहीं देना, तो कहने लगे जी हमें तो शेड से बाहर आ गया नहीं है, यहां जितनी भी साध संगत बैठी है आज घोर कलयुग है, ये किसी को कोई जेल खाना या कैदी नहीं बनाया गया यहां पे, क्या आप नहीं जानते कि आज बहन बेटियों का क्या हाल है, कोई एक गैरतमंद अपनी बेटी को चाहेगा कि भीड़ में जाए और वो इधर उधर घूमती फिरे, अगर सारी बातें खोलने लग गए तो यहां से उठना मुश्किल हो जाता है। हम चाहते काहे को काहे को, सवाल का हर का जवाब देंगे, जो मर्जी पूछो खड़ा होकर जिसका दिल करे। तो हकीकत ये है, इसलिए रोका जाता है, ना कि कोई किसी के संगल बांधे जाते हैं यहां पे कि जी हाँ वहां क्यों नहीं, तो हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे, हम नहीं चाहते कि वो दुनिया में जाके गंदगी में कोई उनको कोई छेड़े या कोई उनको तंग करे, नहीं चाहते हम, इसलिए नहीं जाने देते, और किसी को कैद खाना नहीं बनाया हुआ यहां पे। या अगर किसी के मन में ये चीज है, आप अपनी बेटियों को खुला छोड़ दो, छोड़ दो, हम नहीं चाहते कि उनको छोड़ो, हम तो चाहते हैं उनको भी अच्छे संस्कार दो, पर हम में तो ये सदगुरु ने गैरत भरी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देते। कोई घर जाना चाहता होता है, कोई जी सदके जा सकता है, माँ बाप उनके आते हैं, आज्ञा ले जाते हैं, इसमें आप अपना नाम लिख के सवाल किया करो ना, मजा तो तब है, इसमें ठाणेदार बनने की क्या जरूरत है, कोई तगमे नहीं, कोई स्टार नहीं लगे हुए, चलाकी तो बहुत करते हैं लेकिन कागज सेम है, हैरानी ये है, एक पंजाबी में लिखा हुआ है, एक हिंदी में लिखा हुआ है, एक माता के बारे में लिखा हुआ है कि कोई माता है उसने परमार्थ किया आश्रम में अपना सब कुछ, उसकी संभाल नहीं हो पाती, तो वो जिम्मेवार नोट कर ले भाई, जिस भी किसी ने वो लिखा है उस माता के बारे में। इधर भी अब तो लड़कियां जिम्मेवार हैं, भैया आपको बोला था यहां रुका करो, बोला था ना आपको कल, तो यहां रुको, आगे आके आप आगे आके बेटा, आगा कौन सा है ये, तो इनको मिल सकते हैं आप, इधर भाइयों की बात होती है, भाइयों को इधर वैसे मिल सकते हैं, तो जिनकी ये जिन्होंने ये कहा है कि वो जिम्मेवार उनकी संभाल नहीं कर पा रहे, पता नहीं कौन उनकी संभाल कर पा रहा है, चलो जो भी संभाल कर रहा है मालिक उनको खुशियां बख्शे, ऐसा अगर कोई है तो जिम्मेवारों से गुजारिश है उनकी संभाल करें। तो ये जिम्मेवार जो आज चुने गए हैं इनके अंडर भी, ये तो तीन पर्चियां थी तो हमारे पास रखी हुई हैं, तो उनका ये हमने जवाब दिया है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। इसमें हम कोई आपको बद्दुआ नहीं दे रहे, अगर नाम लिख के पूछ लेते तो कौन सा हमने आपका नाम लेना था, अगर आप चाहते कि जी मेरा नाम ना बोलना, हम नहीं बोलते, इसमें उठपटांग था कोई जरूरत ही नहीं किसी का नाम लिखने की। सो चलो मालिक सबका भला करे, उसका भी भला करे जो सवाल पूछता है, क्योंकि सवाल पूछना आपका फर्ज है और जवाब देना हमारा फर्ज है, सतगुरु ने हमें यहां बिठाया इसलिए, वो बेपरवाजी हमसे सवाल का जवाब दिलाते हैं, सो वो जवाब तो हमेशा देते रहना है। कल को आप ये इल्जाम लगा दो जी मेरी पर्चियों का जवाब नहीं दिया, पर्चियों का जवाब तो देंगे ही देंगे, जो मर्जी लिख के भेज दो, जवाब जरूर मिलेगा, सतगुरु ख्याल देंगे, होगा वो हमारा जो नजरिया है, आपके नजरिए से तो हम जवाब नहीं दे सकते, सतगुरु जो हमें ख्याल देता है उस नजरिए से हम आपकी सेवा में सवाल का जवाब जरूर दे देंगे। तो जो भी जिम्मेवार ये चुने गए हैं, इनके आगे और जिम्मेवार हैं, उनको आगे दूसरे हफ्ते या लास्ट संडे सत्संग जो होगा उसमें उनका भी नाम लिया जाएगा, जो 25 मेंबर यहां रहते हैं परमानेंटली सेवा करते हैं उनकी भी ड्यूटियां आगे लगाई जाएंगी, तो उनका भी महकमा आगे से आगे देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा साध संगत की संभाल हो, मेनली ये है, और कोई यहां कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई राज करना या कुर्सी, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई आपके सामने ये बातें थी, वो पर्ची थी, तो हमने आपकी सेवा में अर्ज कर दिया, तो आप सबने रूहानी जाम ले लिया, तो अब प्रसाद दीजिए भाई, बहनों की तरफ और भाइयों की तरफ लेके चलिए, पक्की समितियों को प्रसाद देना है, हिम्मत से चलिए, चलिए भाई चलिए, रुको ना, आगे वाला रुकते क्यों, कोई गिर जाएगा वहां से घूमते क्यों, और बहुत है सेवादार, ऐसे ना घूमा करो आगे वाला, बीच में टकराते हो कोई गिर जाए चोट लग जाए, भाई ये जिम्मेवार ख्याल रखा करो, आगे से घूम के वापिस ना बुलाया करो, चलो बेटा चलो, शाबाश शाबाश सेवादार, चलो
हिम्मत से, और बहनों की तरफ भी चलो बेटा, चलो चलो चलो, शाबाश हिम्मत से। हाँ आशीर्वाद बेटा, चलो चलो चलो, शाबाश। चलो बेटा चलो चलो, प्रसाद लेके। हाँ शोर नहीं करना, और जो पक्की समितियां हैं, पक्के सेवादार हैं, ये प्रसाद उनको दिया जा रहा है, तो प्रसाद लेना। चलो बेटा चलो, शाबाश हिम्मत से चलिए, शाबाश। चलो बेटा चलो चलो, कुछ उधर को कुछ इधर को। शाबाश शाबाश, हिम्मत से तेजी से चलें बेटा दोनों तरफ। हाँ चलो बच्चों, हिम्मत से प्रसाद बांटे बेटा। और सेवादार ज्यादातर आज सेवादार बैठे हैं, आप वचनों पे पक्के रहा करो बेटा, और सुमरन करो, सेवा करो, मालिक ना अंदर कमी छोड़ेंगे ना बाहर, कई गुना बढ़ के मालिक फल बख्शते हैं, दया में रहमत से नवाज देते हैं। सो हिम्मत से सेवा कीजिए, मालिक रहमो करम से नवाजे, खुशियों में आपकी कोई कमी ना हो, बल्कि घोर कलयुग है, जितनी सेवा आप करते हैं अगर सैकड़े गुणा फल मिलता था तो अब हजारों गुणा फल मालिक जरूर बख्शेंगे। सो डट के सेवा किया करो और मेवा खाया करो, मालिक रहमो करम से नवाजे। प्रसाद लेना, जल्दबाजी किसी ने करनी, प्रसाद लेके जिनका जाने का ख्याल है जा सकते हैं, रहने का ख्याल है यहां रहते, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, थोड़ा सा भी सिमरन करोगे कई गुणा बढ़ के मालिक फल बख्शता है। सो दूर दराज वाले अगर सुबह जाए तो ज्यादा बेहतर है, आराम कीजिए, और आस पास वाले जा सकते हैं, बहुत दूर वाले अगर माने वचन तो सुबह जल्दी जाएं तो बेहतर है, अच्छा है। बाकी सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। बस एक दो मिनट इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना है, बैठे रहना है। सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर सभी बैठे रहें जी, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, एक मिनट के लिए बैठे रहें। एक मिनट के लिए सभी ने बैठे रहना है। सुबह की मजलिस का समय 7:30 बजे का है, और सत्संग से प्रार्थना है कि आप जब भी, जो ब्लॉकों के जिम्मेवार भाई हैं वो पल्लियां जरूर लेकर आया करें जी, क्योंकि भारी तादाद में सात संगत आश्रम में आती है, सेवा चलती रहती है, पल्लियां फटती रहती हैं, पल्लियां की जरूरत पड़ती ही रहती है, तो आप हर महीने अपने ब्लॉकों से पल्लियां बनाकर लेकर आया करें और छायावान समिति के स्टोर में जमा करवा दिया करें जी। प्रेमी रकम सिंह जी यूपी से वो यहाँ आ जाएं, और जो भी भाई या बहन सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही रहना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना, और भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही रहना है जी।
और जो भी सेवादार भाई एलोवेरा फैक्ट्री में नौकरी करना चाहता है, पढ़े लिखे और अनपढ़ भी वहां पर नौकरी के लिए जरूरत है, अनपढ़ और पढ़े लिखे सेवादार भाई जो भी नौकरी करना चाहते हैं वो नेजिया रोड पर जो एलोवेरा फैक्ट्री है वहां पर जाकर आप मिल लीजिए। आप पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है। पहले पीछे वालों ने उठना है, उसके बाद जैसे आपको रास्ता मिलता है तो आगे वालों ने उठना है। जल्दबाजी किसी ने भी नहीं करनी, बड़े ही आराम से आपने जाना है। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही आराम करना है और भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही आराम करना है जी। छायवान समिति के सेवादार जल्दी आकर यहाँ पर कनाते लगाएं जी। बहन अनमोल कोटकोट से, बहन वाले गेट के पास चले जाएं जी। एक कोई बच्चा है, बच्ची है छोटी सी जो गुम हुई है, यहाँ पर माइक के पास है,